आज हम बनाने वाले हैं चना दाल के मोदक, जो बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं और बनाना बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं रेसिपी। मोदक का स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम आधा कप चना दाल 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश करके उसमें दाल के 3 गुना पानी डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम पे प्रेशर कुक कर लेते हैं 6 से 7 सीटी होने तक, तब तक जब तक कि दाल अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और मीन टाइम में हम मोदक के लिए कवरिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल और चुटकी भर नमक डाला है। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सॉफ्ट डो बना लेते हैं और इसे ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करके इसे कवर करके 20 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। दाल को हमने 6-7 सीटी होने तक अच्छे से पका लिया है और ये सॉफ्ट हो चुकी है। और अब हम इसे मिक्सी के जार में डालते हैं और जितनी हमने दाल ली है उतनी ही इसमें हमने चीनी डाल के इसे मिक्सी में पीस लेना है। चीनी और दाल की क्वांटिटी हमने सेम ली है, स्टफिंग के अच्छे टेस्ट और टेक्सचर के लिए ये ज़रूरी है। अब एक कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून घी लिया है, उसमें हमें एक दाल और चीनी का मिक्सचर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही स्टफिंग का स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर और थोड़ा सा जायफल का पाउडर। जायफल को हमने ऐसे क्रश करके डाला है इसमें और बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो पे ही रखा है और इसे कंटिन्यूसली ऐसे चलाते रहना है जिससे कि स्टफिंग नीचे ना लगे, और लो फ्लेम पे ड्राई होने तक इसे अच्छे से पका लेना है। तो हमारा स्टफिंग बनके रेडी है, ठंडा होने के लिए इसे हम साइड में रख देते हैं। ठंडा होने के बाद मैंने इसे बाउल में निकाल के रख दिया था और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनके तैयार है। और अब हम इसके छोटे छोटे गोले बना के साइड में रख देते हैं। आटा भी हमारा सेट हो चुका है तो हम इसे इक्वल साइज के पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं और इसके भी छोटे छोटे गोले बना के साइड में रखते हैं। अब मैंने एक छोटा सा आटे का बॉल लिया है और इसे हम अच्छे से बेल लेते हैं छोटी सी पूरी के साइज में, और बिल्कुल पतला बेलना है हमें इसे। अब इसके सेंटर में हम इसे स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग का एक गोला मैंने इसमें सेंटर में रख दिया है और बस इसके ऐसे प्लेट्स बनाते जाना है और फिर सारी प्लेट्स को अच्छे से जोड़ लेना है। और बस हमारे मोल्ड्स बिना मोल्ड्स के मोदक बनके तैयार है। और फिर से एक बार हम एक और मोदक बना लेते हैं सेम प्रोसेस से। तो सेम प्रोसेस से मैंने एक छोटी सी पूरी बेल के तैयार की और फिर उसके ऐसे प्लेट्स बना दिए और इसे ऐसे जोड़ दिया बस इस तरह। और अब चलते हैं मोदक को फ्राई करने के लिए। मोदक फ्राई करने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है कढ़ाई में, और ऑयल गर्म होने पे हम इसमें एक एक करके ऐसे मोदक डाल देंगे फ्राई करने के लिए। मैंने थोड़ा सा कम ऑयल लिया है तो इसमें जितने मोदक आएंगे पहले मैं उतना उसे फ्राई कर लूँगी। और इसे हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, क्रिस्प होने तक। ये मोदक बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।